व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। तो मैं अभी सो रहा था, मेरी सिस्टर आई। मम्मी को शायद चोट लग गई है, देखना पड़ेगा नीचे जाके। बोल रही थी कि सर में चोट लग गई, सर फूट गया और स्टिचेज आएंगे, नीचे जाना पड़ेगा। मम्मी की पहले ही थोड़ी तबीयत खराब रहती है और सर आई होप ज्यादा चोट ना लगी हो। आगे बैठ जाओ, कुछ ना हो रहा है मम्मी। टाके टाके में कुछ हो ना है? टाके ना लगवा। अरे कुछ पाउडर लग गया, बंद कर दे। ओए ओ तेरी पांव बिच गया। लो एसी एसी तेज कर दो, आराम से बैठ जाओ। क्या अरे सुन कर देंगे वो मम्मी, आप टेंशन मत लो। ही तो ना हो ठीक है, सुन करेंगे सर में। अरे हाँ, मेरा भी ना पट्टा, आपने डॉक्टर है मम्मी वे, इमनू बताओ आपने टाके ना लगवाए और आपका फालतू फैल गया तो दिक्कत हो जाएगी ना मम्मी, वे पागल थोड़ी है। मैं सच बोलूं तो मुझे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं था कि इतनी चोट लगी होगी। मतलब लगी है मम्मी को अच्छी खासी चोट। मैं सोच रहा था ठीक है गिर जाता है इंसान, मम्मी का सर यहाँ से ऐसे अलग हो रखा है और अभी हॉस्पिटल आया है। एक बार मैं पूरा वो करा दूँ ट्रीटमेंट था, उसके बाद आप लोगों को स्टोरी बताता हूँ, मम्मी बताएगी आपको अच्छे से। यो की है पसीना, खून है, यो खून है सारा। यार पूरा खून का ही हो रहा है भी। मेरा और सब तो ठीक है, आपका चोट लागी आप ठीक हो गए, पट्टी होगी, ग्लूकोज चढ़ जाएगा, पर जब मैंने आपकी चोट देखी ना, मैं मगा था घनी बूंदी लाग रही है ना, मेरा का खून भी आ रहे हैं, ऊंट भी नहीं होना, मेरा मेरा के लग गया है ऊंट का बड़ी दे लोट का, फिर दोबारा नहीं चाहिए तो मोटर दे खून का मेरे। ये ठीक हो गया आपका थी, मतलब ये पट्टी भी कर दी, टाके भी लाग गए, ये ग्लूकोज चढ़ जाएगा, बाकी ठीक हो जाएगा। ओए चंद मम्मी का देखो क्या हो गया, ये कभी थी ओए देव ऊपर चढ़ रहा था। ओए देखे हो क्या क्या कर रहे हो, चलो खून लग रहे बेटे इस पे काकू, बेटे खून पिएगा तू हमारा। हाँ इतनी बढ़िया डाल कर दिया दादी, दर्द हो गया है, बीपी भी कम हो गया था, ग्लूकोज भी चढ़ा है। पहला सबसे पहला दादी हम गए, बीपी कम हो गया था ये टक्के लगने के बाद, तो ग्लूकोज चढ़ाया। अरे दादी पहला हम यहाँ गए हॉस्पिटल में, वो प्राइवेट में, इतना बेकार प्राइवेट हॉस्पिटल, घुटन इतनी गंदी, अंधेरा हो रहा। मैं मगा मम्मी यार तो चलो, क्योंकि मैं सुमिता ने लेके जा रहा हूँ ना गवर्नमेंट वाले में, ऊपूठ वाले में, मैंने समझ गया था मगा वो है बढ़िया इलाज, अरे वाड़े एक डॉक्टर आ रही। नहीं नहीं मैं बोला स्टाफ उन्होंने ट्राई करोगे, मगर मेरी माँ पे ट्राई मत करो, तब की और पे ट्राई कर लियो ही ना, ठीक कर दो। एमबीबीएस में नहीं होता ना क्या, डेड बॉडी ला डेड बॉडी है, लोड चाहिए तो की बॉडी तो ग्लूकोज में दर्द होगा, बैठे रहने दो, एक बोतल चढ़ाई थी और चढ़ा दो। अच्छा ई बताओ मैं आपका क्या हुआ, स्टार्टिंग द स्टोरी बताओ भाई। राकड़ी वाले आए थे काम वाले। अच्छा कितने बजे? 9 बजे से। अच्छा दरवाजा खोलन गई थी, खोल के पीछे हटी तो बैलन सबने फोन ऑर्डर लाया, पड़ गई मोटर दो, कोई ना था आखिरी दौर है, कोई ना। आप दरवाजा खोलो थे बंद करो थे? एक गेट से खोल दिया था, एक ना उल्टा नहीं खींचो थी। अच्छा लकड़ी वाले कितने? वे तो दूर खड़े थे, और तो उन्होंने बोले मैं उठी ना। हाँ गंदी क्यों का तबीयत खराब है, मैंने जब तय ना करा कितने इतने चोट लग रही। अच्छा अरे मैं बेब तो पड़ी गई ते आप फिर आपने नू चेक ना करा आपका खून आया? हां जब ना मैं तो ऊपर आ के ना मका देखू किट के गोला गोला है, जब खून सा लेके जब बेरा लग गया। आप आड़ा के लोट गए? हाँ। कितने एक घंटा लोटे रहे? हां फिर चेक की ना करा
आपने खुद ये पूजा उठी या देखने लगी तो सारा सर खून में दस रहा था। अच्छा इन्हें देखा को ना फिर छुट्टी कर दिया जी। अच्छा उन्हें देखा जो नुला तो गणित पाठ रहा फिर गए आप छाबड़ा डॉक्टर के। हाँ फिर क्या हुआ वो ना थे क्या ना मतलब मैं ना टाके ना लगाऊ मैं टाके ना लगाओ मना कर दी थी उन्हें लपट्टी में करूँ को ना क्योंकि टाके आगे टाके हम लगाते हो। अच्छा मेरा एक चीज सही में मम्मी यकीन ना हो रही मैं पूजा ने मैं ठाया पूजा बोली मम्मी के लाग गई चोट ठीक है अरे फिर मैं लाग गई होगी चोट चाट पढ़ जा आप घनी पढ़ो मम्मी कितनी बार पढ़ लिया आप तो मना कर रखी है नू करने थी मैं गया नीचे आप बैठे आराम से मैं कहा बैठी है मम्मी तो लाग गई होगी नॉर्मल चोट ठीक है तो फोन बंद हो गया था रमजान गया था बात वो ना है आप बैठे थे आराम से नीचे। हाँ। मन ने जब आपके बाड़ा में था आपका सर देखा ना। हाँ। मेरे तो नू हो गया मम्मी के इतनी गंदी इतना ज्यादा आपका सर है ना। हाँ। इतना ए नू खुल रहा था मतलब नू था कि अगर कोई नू खोल देना तो आपके भीतर का सब कुछ दिख जाओ मांस ठीक है। तो जब मैंने ला गया भाई ये तो बहुत गंदी है। तो ये थी पूरी स्टोरी जो हुआ सुबह से और मेरे को एक ही चीज अभी तक यकीन नहीं हो रही कि मम्मी बैठी कैसे रहेगी इतनी चोट में मतलब 9 बजे चोट लग गई आपके और मैं अपना लेकर गया डॉक्टर के 1 बजे ठीक है। डॉक्टर ने बोला था कि 3-4 चीजें अगर नहीं होती तब तक कोई दिक्कत नहीं है जैसे उल्टी आना और नाक में से खून आना मुंह में से खून आना ऐसी चीजें उसने बोली थी कि अगर ये नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं है बट 24 घंटे के अंदर इनमें से कोई भी चीज होती है तब जाके पूरे सर का सीटी स्कैन हुआ है पूरे सर का सीटी स्कैन कराना पड़ेगा तब पता चलेगा कि कोई दिक्कत है बट बढ़िया बात यह है कि कोई दिक्कत नहीं आई और मम्मी आप पिछले 6 महीने में कितनी बार पढ़ चुके हैं मैं इधर उधर वो घर में थे है तब भी आप एक बार पढ़े आपका कुल्ला टूटा था है एक बार कुल्ला टूटा था एक बार मुंह पर चोट लग गई थी बताओ मम्मी इसी आपकी बॉडी भी ना जो आप झेल जाओ तो ठीक है भाई ठीक है मम्मी टेंशन मत लेना बिल्कुल ठीक है मैं कॉफ़ी पी लेता हूँ शाम हो गई है 4 बज गए मैंने सुबह से ना कुछ खाया है भूख लगी हुई है मेरे को। तो जिस हॉस्पिटल में हम गए थे ना उसकी हालत बहुत गंदी थी तो मम्मी को वहाँ पर मेरे भाई ने बिठा दिया मैं कार पार्क करके जब हॉस्पिटल में मैं घुसा ना मेरे को ये हो गया कि इस हॉस्पिटल में आते लोग मतलब भाई हो सकता है लोगों के लिए बढ़िया हो बट मेरे को वहाँ पर लगा नहीं कि मम्मी का यहाँ पर इलाज कराना चाहिए। तो एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है बढ़िया ठीक है ये है पूठ में हॉस्पिटल वहाँ पर मेरे भाई को जब कुत्ते ने काटा था बहुत गंदा मतलब इतना गंदा काटा था 1-2 महीने की बात होगी वहाँ एक महीने की तो है पूरा हाथ पैर फाड़ दिए थे मेरे भाई के। तो जब हम ले गए थे उस हॉस्पिटल में हमारे यहाँ एक और हॉस्पिटल है उसमें दिक्कत क्या है कि उसमें कोविड का वो सेंटर बना दिया है बट वो हॉस्पिटल देखने के बाद मेरे को लगा था वो बेस्ट रहेगा मम्मी के लिए वहाँ हम गए वहाँ पर मतलब बढ़िया इलाज करा जिसको बोल सकते हैं ना जो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि किसी डॉक्टर से चाहे वो बात करे गवर्नमेंट प्राइवेट डजंट मैटर इलाज की बात करूँ तो बहुत बढ़िया करा। और फाइनली घर पर आ गए मम्मी खाना खा लिया बिल्कुल ठीक है कोई टेंशन लेने की बात नहीं है पर मेरे को एक ही चीज़ यकीन नहीं हो रही है कि जब मैंने मम्मी का वो देखा था ना सर फटा हुआ मेरे को यकीन नहीं हो रहा था मम्मी बैठी है आराम से मैं तो भाई ऐसे हिल गया था क्या हो गया भाई। अब मम्मी की जो भी अपडेट होगी आप लोगों को बताता रहूँगा अभी मम्मी को टाइम लगेगा 10 दिन बाद टाके खुलेंगे टाके लगे हुए 3 ठीक है लगने में 5-6 भी लग सकते थे वो बोल रहा था पर उन्होंने 3 से अच्छे से सील दिया अच्छे से दवाई दी हुई है अच्छी हर अल्टरनेट डेज पे पट्टी करानी है तो फिर मम्मी बिल्कुल ओके हो जाएगी ठीक है ओके होते ही आपको रिपोर्ट करता हूँ टाके वाके के बाद ठीक है चलो लव यू ऑल।